प्रेशर ऑफ अ गैस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गैस जब किसी कंटेनर पे कंटेन्ड है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसकी वॉल्स पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, विच इज इन टर्म ऑफ द प्रेशर। इट मीन्स दैट प्रेशर ऑफ अ गैस इज नथिंग बट इट इज द फोर्स विच इज बींग अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो इट मीन्स कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो वट दैट प्रेशर इज। अब अगर हम प्रेशर को फोर्स कह रहे हैं तो फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेशर दरअसल वो मोमेंटम है उन मॉलिक्यूल्स का जो वो पर सेकंड पर यूनिट एरिया वॉल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो नाउ वी हैव डिफाइंड एग्जैक्टली कि ये फोर्स है और ये फोर्स है मोमेंटम की फॉर्म में। नाउ इफ वी कंसिडर अ कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इस क्यूब के जो फेसेस हैं उनको हमने लेबल किया हुआ है अल्फाबेट्स की मदद से। एंड सपोज द फेस दैट वी विल कंसिडर लेटर ऑन इज द फेस ए बी सी डी, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड है। अब इसका जो साइड्स की लेंथ है क्यूब की, दैट इज एल, तो हर फेस का जो एरिया होगा दैट वुड बी इट्स लेंथ इनटू विड्थ एंड इट वुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होगा दैट वुड बी इक्वल टू एल क्यूब। एंड नाउ आई अगेन से दैट वी विल कंसिडर दैट द प्रेशर इज एक्सर्टेड बीइंग एक्सर्टेड ऑन द फेस ए बी सी डी विच इज दिस फेस एक्चुअली। सो नाउ वी मूव ऑन टू हाउ वी विल कंसिडर इट लेटर ऑन। सपोज देर इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मैस m और ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है। चूंकि ये थ्री डायमेंशनली मूव कर रहा है तो इसके थ्री कंपोनेंट्स जो हैं वो तीनों डायमेंशन में, दैट वुड बी v1x, v1y एंड v1z एंड दे वुड बी अलॉन्ग x, y एंड zx एक्सेस रिस्पेक्टिवली। नाउ वी सी वट मोमेंटम इट ट्रांसफर्स टू द फेस ए बी सी डी ए। तो जो फेस ए बी सी डी ए है उससे ये स्ट्राइक करता है और ये अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है, और क्वांटिटेटिवली दैट मोमेंटम इनिशियली इज पी आई इज इक्वल टू एम वी वन एक्स। नाउ वी सी के मोमेंटम ये जब कोलाइड करते वक्त ट्रांसफर करता है तो उसके बाद ये कोलाइड करने के बाद वापस रिकॉइल होगा, एंड व्हाट वुड बी द फाइनल मोमेंटम, दैट इज पी एफ इज इक्वल टू माइनस एम वी वन एक्स। माइनस मीन्स कि अब डायरेक्शन अपोजिट है, और जो इनिशियल मोमेंटम था दैट वाज पी आई इज इक्वल टू एम वी वन एक्स, फाइनल मोमेंटम इज पी एफ इज इक्वल टू माइनस एम वी वन एक्स। सो वी सी व्हाट इज द टोटल मोमेंटम, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा पी एंड इट इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। सो यहां पर अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो वी विल डेफिनेटली फाइंड आउट के मोमेंटम किस तरह से चेंज हुआ, एंड दैट वुड बी डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस टू एम वी वन एक्स, एंड वी कॉल इट इक्वेशन ए। अब रिकॉइल करने के बाद ये मॉलिक्यूल डेफिनेटली अपोजिट फेस की तरफ ट्रेवल करेगा, और जो अपोजिट फेस है दैट इज ई एफ जी एच। नाउ ई एफ जी एच ई इज द अपोजिट फेस, और ये उसकी तरफ ट्रेवल करते हुए उसके साथ कोलाइड करेगा और वहां से भी रीबाउंड हो जाएगा। रीबाउंड होने के बाद ये वापस फेस ए बी सी डी ए की तरफ आएगा, और इस तरह से ये ट्वाइस एल डिस्टेंस को कवर करेगा। सो इट मीन्स के जो टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगा दैट वुड बी टू एल, और जो इन दो सक्सेसिव कुलियंस के दरमियान जो टाइम है दैट इज डेल्टा टी। सो अब यहां से हम ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली इसकी कोलाइड करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन्स कि ये एक पर्टिकुलर फेस के साथ एक सेकंड में या यूनिट टाइम में कितनी दफा कोलाइड करता है। सो अगर हम इसका कोलिजन रेट देखना चाहें तो दैट वुड बी बाय कैलकुलेटिंग फर्स्ट द डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस हमने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके अगर कैलकुलेट कर लें दैट वुड बी एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, जबकि एस जो है वो यहाँ पर टू एल के बराबर है, और देन जो चूंकि ये एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है सो इसका एक्स कंपोनेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, और जो टाइम इंटरवल इसने लिया
दोनों फेसेस के दरमियान मूव करने के लिए दैट इज डेल्टा टी, इट मीन्स दो सक्सेसिव कुलियंस के दरमियान का टाइम है एक्चुअली, जो कि इसने फेस ए बी सी डी पर किए हैं. सो यहां से हम इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट इज 2L ओवर वी वन एक्स एंड वी कॉल इट इक्वेजन पी. नाउ वी सी दैट वट इज द फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली टाइम का रेसिप्रोकल होती है. तो यहाँ से हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा टी की वैल्यू हम इक्वेशन बी से अगर यहाँ पर पुट करें सो इट वुड बी 1 ओवर 2L ओवर वी वन एक्स. और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं F इज इक्वल टू वी वन एक्स ओवर 2L. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलियन एक्चुअली. अब हम इस फ्रीक्वेंसी को बेसिकली डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ कुलियंस पर सेकेंड दैट द मॉलिक्यूल विल मेक विद दिस फेस एंड दैट इज इक्वल टू वी वन एक्स ओवर 2L. अब न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक ये जो मोमेंटम है इसका रेट ऑफ चेंज फोर्स के बराबर है. सो इट मीन्स कि अगर हम उस फोर्स को जो ये मॉलिक्यूल कोलाइड करते वक्त ट्रांसफर कर रहा है फेस को, जो कि हमारा ए बी सी डी ए फेस है उस पर्टिकुलर कंटेनर में जो कि हमने क्यूब की फॉर्म में लिया हुआ है, तो दैट इज द एफ एम वेयर एम स्टैंड्स फॉर डेफिनेटली मॉलिक्यूल. तो ये उस मॉलिक्यूल की फोर्स है विच इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी. और यहां पर हमने डेल्टा पी भी कैलकुलेट किया है यानी जो मोमेंटम में चेंज आई वो भी कैलकुलेट की और टाइम भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है. सो यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करें अगर डेल्टा पी की पहले तो इट वुड बी माइनस टू एम वी वन एक्स ओवर डेल्टा टी. और यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू जो कि अभी हमने कैलकुलेट की ये वैल्यू हम इसके डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं. इट मींस कि हमने डेल्टा पी की वैल्यू भी पुट की और डेल्टा टी की वैल्यू भी पुट की. तो व्हाट वी गेट द फोर्स एंड इट इज इक्वल टू माइनस टू एम वी वन एक्स ओवर टू एल ओवर वी वन एक्स. और इसको हम रीअरेंज करते हैं और जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो यू विल सी दैट इट बिकम्स एफ एम इज इक्वल टू माइनस टू एम वी वन एक्स ओवर टू एल over v1 x which can be finally written as fm is equal to minus m v1 square x. yani ye jo denominator mein v1 x maujood tha isko agar hum iske sath multiply kar de mathematics ke rules ke mutabik to ye ban jayega v1 x square in actual aur jo 2 hai that would be cancelled with this 2 and finally we will get fm is equal to minus v1 x square over l. so ye wo force hai जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ कोलाइड करते वक्त मॉलिक्यूल कंटेनर के फेस को जो कि क्यूबिक एक कंटेनर था उसके फेस को ट्रांसफर कर रहा है. नाउ वी सी दैट हाउ दिस फोर्स इज अगेन रिलेटेड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट टू बी माइनस एम वी वन एक्स स्क्वायर ओवर एल. इट मीन्स कि ये बेसिकली मोमेंटम की चेंज है और यही वो फोर्स है जो कि ट्रांसफर की जा रही है. अब हम इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि बेसिकली वॉल जो है वो मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रही है और न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक मॉलिक्यूल जो फोर्स वॉल पर अप्लाई कर रहा है उसको हम रिएक्शन फोर्स कह देते हैं. इसको इस तरह से कंसिडर करने से व्हाट वी गेट इज दैट वी कैन रिमूव माइनस साइन फ्रॉम हेयर. हमने जो मॉलिक्यूल की फोर्स है उसको एफ वन एक्स कहा और इसको हमने रिएक्शन फोर्स के तौर पर लिया. तो ये पहले हमारे पास थी माइनस एम वी वन एक्स स्क्वायर ओवर एल और रिएक्शन फोर्स के तौर पर हम इसके साथ एक माइनस लगा देते हैं. सो इट मींस कि ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएंगे एंड हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू एंड इट वुड बी इक्वल टू एफ वन एक्स इज इक्वल टू एम वी वन एक्स स्क्वायर ओवर एल. अब ये तो हमने एक मॉलिक्यूल की कैलकुलेट की. बिल्कुल इसी तरह से आइडियली अगर हम कंसिडर करें तो तमाम मॉलिक्यूल्स की वजह से जो वॉल पर या फेस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर हम एक्स डायरेक्शन के अंदर जो टोटल फोर्स है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से उसको एफ एक्स कह दें और ये तमाम मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटीज जो कि वी वन वी टू वी थ्री और वी एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे ये मूव कर रहे हैं तो वी कैन कैलकुलेट द टोटल फोर्स फ्रॉम हेयर. और जो टोटल फोर्स इस वॉल पे एग्जर्ट हो रही है दैट इज इन द एक्स डायरेक्शन इन पर्टिकुलर दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू अप टू एफ एन एक्स. जबकि वन से लेकर एन तक एक्चुअली हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं. तो यहां से हम पहले हमने एक की कैलकुलेट की थी
that was mv1 x square over l. इसी तरह से हम बाकी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और हम सबस्क्रिप्ट में नोटेशन जो है उसको हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल और इस तरह से हम इनका सम ले सकते हैं अप टू द एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली और हमने बात की प्रेशर ऑफ गैस की. प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया. तो अब इसका मतलब है कि हमें फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना चाहिए. सो दिस इज नाउ inserted in the value of pressure. So x direction mein jo pressure exert ho raha hai, that is the force which is perpendicularly applied to the face, it is fx over a. Jabki a jo hai wo face ka area hai aur fx abhi humne calculate kar liya aur area hum pehle calculate kar chuke hain, that was l square. To yahan par hum inki values put kar dete hain aur values put karne se aap dekhenge ke jo equation c हमें हासिल हुई है दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एम हमने कॉमन ले लिया एम ओवर एल क्यूब. एल भी कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं उनसे और जो ब्रैकेट में हम सम रह गया है दैट इज वी वन स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू वी एन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज अवर इक्वेशन सी जो ये बता रही है कि एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है दैट इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. अब यहां से हम थोड़ा सा मजीद इसको डेंसिटी की फॉर्म में लेते हैं. जो सिंगल मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया था उसका मास था m. इस तरह से अगर हम ये कह लें कि तमाम मॉलिक्यूल्स का मास m है और जो n मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं कंटेनर में, इट मींस के जो टोटल मास होगा दैट वुड बी m को हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दैट वुड बी m इंटू n. अब डेंसिटी को हमने डिफाइन किया हुआ है मास पर यूनिट वॉल्यूम से. तो यहां पर हम m n और वॉल्यूम इसका l क्यूब है उसकी वैल्यू ले लेते हैं एंड ये वाला जो टर्म थी जो हमारी इक्वेशन सी में अपीयर हो रही है उसको हम डेंसिटी की फॉर्म में ले लेते हैं दैट इज रो ओवर एन. और अगर हम इसको इक्वेशन सी में रिप्लेस कर दें तो एम एल क्यूब जो है वो रो ओवर एन से रिप्लेस हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये डेंसिटी की टर्म में आ गई है वैल्यू. सो दैट वुड बी पी एक्स इज इक्वल टू रो ओवर एन इन टू द होल वेलोसिटी स्क्वेयर्ड सम. और अगर n को हम अंदर ले जाएं तो अब आप देखेंगे कि जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो किस तरह से डिफाइन की जा सकती है. अब ये जो टर्म है वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर अप टू वी एन एक्स स्क्वायर ओवर n, ये बेसिकली तमाम मॉलिक्यूल्स की जो स्क्वेयर्ड वेलोसिटी है उसका मीन है जो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो इट मीन्स के दैट इज द मीन स्क्वेयर वेलोसिटी और इसको हम सिंबल जो यहां पर है नजर आ रहा है एट द एंड दैट इज वी एक्स स्क्वायर, इसे हम इसको डिनोट कर रहे हैं. तो इट मीन्स के जो प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर दैट इज रो इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. अब चूंकि ये तमाम जो डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो सेम है सो इट मीन्स के वाई और जेड डायरेक्शन में भी प्रेशर की वैल्यू यही होगी बट द मीन स्क्वायर वेलोसिटी वुड बी वी वाई स्क्वायर फॉर वाई डायरेक्शन एंड वी जेड स्क्वायर फॉर जेड डायरेक्शन. तो ये जो मीन स्क्वायर है तमाम कंपोनेंट्स का वेलोसिटी के दैट वुड बी इक्वल. इट मींस के हम इसको इक्वेट करके देख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटीज हैं तमाम कंपोनेंट्स इनके जो हैं वो तीनों कंपोनेंट्स बेसिकली दे आर इक्वल. और यहां से हम अगर टोटल कैलकुलेट करना चाहें कि टोटल जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है तीनों डायमेंशंस में व्हाट इट वुड बी, तो इट वुड बी द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. जैसा कि यहां पे नजर आ रहा है दैट इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इनटू प्लस वी जेड स्क्वायर. सो इट मीन्स के हम इनको एड कर सकते हैं और एड करके वी कैन राइट इट एज थ्री इंटू वी एक्स स्क्वायर. यहां से अगर हम चूंकि एक्स डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां से हम अगर एक्स डायरेक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखें तो दैट वुड बी वन थर्ड ऑफ द टोटल एंड इट वुड बी इक्वल टू वन ओवर थ्री इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी व्हिच इज वी स्क्वायर. सो जो पी एक्स की वैल्यू होगी नाउ इट वुड बी रो ओवर थ्री इंटू वी स्क्वायर. अब पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर के मुताबिक वेसल के अंदर तमाम साइड्स पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है दैट वुड बी सेम उस वक्त जब गैस की जो डेंसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म. यानी अगर गैस की डेंसिटी तमाम डायरेक्शंस में एक जैसी है इट हैज गॉट यूनिफॉर्म डेंसिटी तो जो प्रेशर ये एग्जर्ट कर रही है दैट वुड बी सेम ऑन ऑल अदर साइड्स एज वेल. तो इसका मतलब है कि अगर हम एक्स की बात करें या वाई डायरेक्शन की बात करें या जेड की तो ये प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी की गैस के लिए सेम रहेगा. सो ये टर्म जो है ये तीनों डायरेक्शंस के लिए ट्रू होगी.
तो टोटल जो प्रेशर है वो तमाम साइड्स में चूंकि सेम है, इट मींस दैट वी हैव कैलकुलेटेड द प्रेशर ऑफ द गैस व्हिच इज इट इज एक्सर्टिंग ऑन द कंटेनर. तो इन जनरली दैट इज पी इज इक्वल टू 1/3 रो इनटू वी स्क्वायर. अब अगर हम रो को डिफाइन जैसे हमने पहले किया हुआ है, दैट इज एम एन ओवर वी. वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, स्मॉल एम जो है ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, और जो एन है दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन द गैस. तो अगर हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, दैट वुड बी एम एन ओवर 3 वी इंटू वी स्क्वायर. अगर हम इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, देन इट वुड बिकम 2/3 एन ओवर वी इंटू हाफ एम वी स्क्वायर. अब जो आपको टर्म नजर आ रही है दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और जो एन ओवर वी है दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वी कॉल इट एज एन नॉट. तो हम इसको रिप्लेस कर दें एन नॉट से, विच इज बेसिकली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब हम देखते हैं कि प्रेशर जो है दैट बिकम्स कॉन्स्टेंट इन टू हाफ एम वी स्क्वायर. इट मीन्स कि जो टर्म्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दे ऑल आर एक्चुअली कॉन्स्टेंट, और वी कैन कॉल इट एज अ कॉन्स्टेंट. इट मीन्स दैट प्रेशर बेसिकली डिपेंड कर रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर. So this is how we proportionate it. Pressure is basically directly proportional to the average translational kinetic energy, in fact. And this is the finding of this derivation, that the pressure jo ke gas apply karti hai container par, that is the force actually per unit area jo ke gas ke molecules container par apply karte hain, aur ye basically sirf translational kinetic energy ka average hota hai. So it means that pressure is basically proportional to average translational kinetic energy of the gas molecules.